लोकसभा में उठा बुलंदशहर गैंगरेप का मामला। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में मायावती ने मांगा अखिलेश यादव का इस्तीफा। 7 अगस्त को तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी, हैदराबाद में रैली को करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में कहा, सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कल जाएंगे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। सईद ने राजनाथ के पाक दौरे का किया विरोध, नवाज को दी चेतावनी, कहा जमात उद दावा देश भर में करेगा विरोध प्रदर्शन। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, इस साल 70 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हर राज्य में दलितों का होता है उत्पीड़न। सांसद शशिकला ने संसद में रोते हुए की सुरक्षा की मांग, जयललिता ने पार्टी से किया बाहर। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, आमिर को किस तरह का लेसन पढ़ाने की बात कर रहे पर्रिकर। भगवंत मान ने फिर से दिया लोकसभा जांच कमेटी को जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलना चाहिए सरकारी बंगला। मायावती और मुलायम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 महीने में खाली करें सरकारी आवास। वरुण गांधी को लगा झटका, बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी की सूची से किया बाहर। बिहार टॉपर स्कैम मामले में आरोपी छात्रा रूबी राय को मिली जमानत। मुंबई में अलग विदर्भ राज्य की मांग के विरोध में शिवसेना का प्रदर्शन, विधान परिषद कल तक के लिए स्थगित। मद्रास हाईकोर्ट का नाम तमिलनाडु हाईकोर्ट करने का विशेष अधिकार प्रस्ताव पास। जम्मू कश्मीर के नौगाम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने कांकेर और बीजापुर में 2 गाँव वालों की हत्या। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ बम धमाका। अरबाज और जिमी शेरगिल की फिल्म ये तो टू मच हो गया का पोस्टर रिलीज।